नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिरवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पौधारोपण के कई फायदे हैं। इससे न केवल पर्यावरण का संतुलन बना रहता है बल्कि क्षेत्र हरा भरा रहने से सुंदरता भी बढ़ती है। ये बात नगर पालिका अध्यक्ष रविंद्र शिवहरे ने बुधवार को हरियाली महोत्सव के तहत नगर के स्टेशन रोड, अंबेडकर पार्क, नई तहसील प्रांगण और हाईवे क्षेत्र में पौधारोपण कार्यक्रम में कही और इन चारों स्थानों पर 1000 छायादार और फलदार पौधे रोपे गए। पौधारोपण के बाद सभी पौधों की सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड भी लगाए गए और नगर परिषद की ओर से पानी देने से लेकर देखने के लिए अलग अलग कर्मचारियों की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। शासन का आदेश है, प्रत्येक नगर पालिका को अपने नगरीय क्षेत्र में वृक्षारोपण का वृहद कार्यक्रम किया जाना है और उसी क्रम में आज यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया है। इससे पहले हम लोग रेलवे स्टेशन पर दोनों ओर हम लोगों ने बैरिकेडिंग करके वृक्षारोपण किया है और अभी अम्बेडकर पार्क में कर रहे हैं और ये सिलसिला अभी जारी रहेगा। कितने पेड़ लग चुके हैं अभी तक? अभी पौधे हमारे 400 पौधे लगभग लग चुके हैं। देखो, ये कोलरस में पेड़ लगाने का तीसरा चरण, 7 जुलाई से हमने नदी पंप हाउस से आप लोगों के साथ पेड़ लगाना शुरू किया था जिसमें रिटायर्ड पेंशनर लोग भी शामिल हुए थे। आज हमने रेलवे स्टेशन का जो रोड है हमारे यहाँ करीब 2 किलोमीटर इसकी लंबाई है, उस सारे रोड पर दोनों साइड में पेड़ लगाए और ये हमारा उद्देश्य 5000 पेड़ लगाने का है। ये अम्बेडकर पार्क के बाद हमने तहसील प्रांगण में पेड़ लगाए और ये पार्क में लगा रहे हैं। कोलरस के 100 समाज सेवी जो एजी रोड पर अपनी दुकान चलाते हैं व्यापारी समाज के लोग, वो भी अपने अपने बाहर पेड़ लगाना चाहते हैं, उन्हें भी हम अभी पेड़ करने जाते हैं। इसका एक उद्देश्य है कि कम से कम कोलरस में हम लोग 5000 वृक्ष लगा दें। बिल्कुल बिल्कुल दम से। हेलो, कोलारस से अमर काली की रिपोर्ट।